Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and push that bell icon and turn on your notifications so you never miss any update from this channel. Thank you. Now let's move to the next topic. Our next topic is 8.2 thermometer. थर्मो वर्ब जो है ये थर्मल से ड्राइव किया गया है विच मीन्स हीट और मीटर का मतलब होता है कोई भी ऐसी डिवाइस कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर कर सके जैसे हमारे घरों के पास होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं या फिर गैस मीटर्स होते हैं जो बताते हैं कि इस मंथ में इस घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की गई है इसी तरह से जो थर्मोमीटर्स होते हैं वो जो हीट होती है किसी भी बॉडी की उसको मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ठीक है ये इसकी डेफिनेशन है यानी ऐसी कोई भी डिवाइस जो मेजर करती है किसी इसको टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी को उसको थर्मोमीटर कहते हैं इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि जो सब्सटेंसेस हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती है किस तरह से चेंज होती है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो टेम्परेचर के बढ़ने पर एक्सपेंड करते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो टेम्परेचर के कम होने पर कंट्रैक्ट कर जाते हैं इसी तरह से कुछ लिक्विड्स भी होते हैं जिनको हीट किया जाता है तो वो एक्सपेंड करते हैं वही लिक्विड्स हमारे थर्मोमीटर में यूज़ किए जाते हैं ठीक है और उनको हम लोग कहते हैं थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स जो थर्मोमेट्रिक मटेरियल या थर्मोमेट्रिक लिक्विड होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बताई हुई ये आप लोगों ने करनी है इसको अच्छी तरह से याद करना है ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर याद आपने सारी करनी है लेकिन अगर आप लोगों को शॉर्ट में ये क्वेश्चन आता है तो आपने फोर टू फाइव मैक्सिमम लिखनी है ये पॉइंट्स लिखने हैं नेक्स्ट हम देखते हैं 171 पेज पे लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि थर्मोमेट्रिक मटेरियल होते हैं कुछ लिक्विड्स होते हैं वो कौन से लिक्विड होते हैं वो अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा थर्मोमीटर होता है वो किस तरह से होता है उसकी डायग्राम दी गई है और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको लेबल किया गया है ये जो थर्मोमीटर होता है ये एक स्टेम लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है ठीक है ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको ग्लास ट्यूब भी कहते हैं और कैपिलरी ट्यूब इसको कहा जाता है इसके ऊपर स्केल्स दिए गए होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि टेम्परेचर कितना है इसको टेम्परेचर स्केल कहा जाता है और ये वाला जो पार्ट होता है जिसको हम लोग अपने माउथ में रखते हैं बॉडी का टेम्परेचर मायने करने के लिए तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं बल्ब कहते हैं और इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो एक्चुअली लिक्विड जो होता है वो क्या होता है वो मरकरी होती है ठीक है मरकरी लिक्विड होता है वो और इसके अंदर एक मरकरी थ्रेड होता है जो हमारी जो बॉडी में हीट होती है टेम्परेचर होता है उसकी वजह से फिर ये मूव करना शुरू कर देता है और फिर पता चलता है कि कितना हमारा टेम्परेचर है बॉडी का इस पैराग्राफ में इन्होंने बताया हुआ है कि जो मर्करी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो -39 डिग्री सेल्सियस है और ये बॉयल करता है 357 डिग्री सेल्सियस पे ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स और ये पूरा पैराग्राफ भी आप लोगों को शॉर्ट के लिए आ सकता है सो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं जो लास्ट पेज पर उन्होंने बताई हुई हैं नेक्स्ट उन्होंने बताया कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है इसको लेबॉरेटरीज क्लिनिक्स एंड हाउसेज में और इसके टेम्परेचर की जो टेम्परेचर मैयर करता है ये उसकी रेंज क्या होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस ये इसकी रेंज है ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है